हेलो नाइन्थ क्लास क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दैट एक्स की क्यू प्लस वाई की क्यू प्लस जेड की क्यू माइनस 3xyz। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। ये वेरीफाई करने हमने, तो वेरीफाई करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे या फिर इसमें राइट हैंड साइड लेके इसको हम प्रूव करेंगे। ये लिया हमने क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें ये लेफ्ट हैंड साइड भी ले सकते हैं और राइट हैंड साइड भी, मर्जी हमारी। तो टेकिंग राइट हैंड साइड ली हमने, ये यहाँ पर इनके स्क्वायर खोल लेंगे हम पहले। तो ये हो गया 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बड़ी ब्रैकेट शुरू, एक्स का स्क्वायर जमा में वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। इसके अंदर ए माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला यूज़ होगा। इसके बाद है वाई स्क्वायर जमा में जेड स्क्वायर माइनस के 2yz, आगे जेड स्क्वायर जमा में एक्स स्क्वायर माइनस के 2xz, ये हो गया इसके अंदर। अब इसमें 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़, इसके अंदर हम जोड़ेंगे इनको, एक्स स्क्वेयर एक ये है और एक ये, तो ये हो गया 2x2, वाई स्क्वेयर यहाँ पर भी है और ये रहा, तो 2y2 जमा में 2z2 घटा में 2xy घटा में 2yz और घटा में 2xz, ये बच गई इसमें। इस पूरी में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर लेंगे हमें, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से 2 बार लिया हमने, एक्स स्क्वेयर जमा में वाई स्क्वेयर जमा में जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के एक्स जेड, ये बच गया हमारा अंदर। अब यहाँ पर गुणा में है, 2 से 2 कट गया। अब ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये इसकी अंदर गुणा करेंगे पूरे की इसके साथ में गुणा करेंगे, तो पहले एक्स की गुणा कर देंगे सारे के साथ में। तो ये हो गया एक्स स्क्वेयर जमा में एक्स वाई स्क्वेयर जमा में एक्स जेड स्क्वेयर, फिर एक्स की गुणा यहाँ पर आ गई, माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई माइनस के एक्स वाई जेड, फिर यहाँ पर पहुँच गए माइनस के एक्स स्क्वेयर जेड। तो ये हो गया इसमें, तो इसमें एक्स की गुणा करी पहले हमने एक्स की, इसके साथ ये यहाँ पर क्यूब हो जाएगा ये। अब इसमें y की गुणा करनी है पूरे के साथ में, y की गुणा जमा में, तो एक्स स्क्वेयर वाई जमा में y की 3 जमा में y जेड की 2, यहाँ लिखते हैं आगे घटा में एक्स वाई स्क्वेयर घटा में वाई स्क्वेयर जेड और घटा में एक्स वाई जेड। अब जेड की गुणा करेंगे जमा में एक्स स्क्वेयर जेड, फिर यहाँ पर आ गए जमा में वाई स्क्वेयर जेड और जमा में जेड की 3 घटा में एक्स वाई जेड घटा में वाई जेड स्क्वेयर, फिर यहाँ पर आ गया हमें घटा में एक्स जेड स्क्वेयर। अब इसमें देखो जो जमा के हैं कौन कौन है, घटा के कौन से हैं, यहाँ पर रह गया एक्स की 3 एज इट इज लिख दिया, एक्स वाई स्क्वेयर, एक्स वाई स्क्वेयर इसमें ये जमा का, इसमें एक्स वाई स्क्वेयर जमा का है और ये घटा का, ये कट गए, एक्स जेड स्क्वेयर है ये एक्स इसमें, और देखो इसमें एक्स जेड स्क्वेयर कहाँ पर है, अब इसमें ये जमा का यहाँ पे एक्स जेड स्क्वेयर और यहाँ पर ये घटा का है एक्स जेड स्क्वेयर। इसके बाद माइनस के एक्स स्क्वेयर वाई, ये घटा का है और ये जमा का, ये भी कट गए, एक्स वाई जेड ये एज इट इज एक्स स्क्वेयर जेड और देखो इसमें कहाँ पर है एक्स स्क्वेयर जेड, ये रहा वाई जेड स्क्वेयर, ये जमा का है और ये घटा का, ये कट गए। अब जो बाकी के इसमें बचे, एक बच गया हमारे पास वाई स्क्वेयर जेड, इसमें बच गया हमारे पास एक्स की 3 जमा में वाई की 3 जमा में
जेड की 3, घटा का एक्स वाई जेड, ये घटा का एक्स वाई जेड, ये घटा का ये, तो घटा के 3 एक्स वाई जेड। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड जो ली थी हमने वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो ये प्रूव हो गया। इसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एक्स जमा में वाई जमा में जेड बराबर है 0, शो दैट एक्स की क्यूब वाई की क्यूब जेड की इज इक्वल टू है 3xyz। अब इसके अंदर भी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमें ये लिया क्वेश्चन इसमें, अब ये आइडेंटिटी हमारे पास x की 3 जमा में वाई की 3 जमा में जेड की 3 घटा में 3xyz इज इक्वल टू 0। ये ऊपर जा क्वेश्चन था हमारा, ऊपर ला ये इक्वेशन किसके बराबर आ गई थी, यहाँ पर आ गए थे हम x जमा में वाई जमा में जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के एक्स जेड, इसके बराबर रख देंगे हम इसको। तो ये हो गया हमारे पास x जमा में वाई जमा में जेड, एक्स स्क्वायर जमा में वाई स्क्वायर जमा में जेड स्क्वायर घटा में एक्स वाई घटा में वाई एक्स वाई जेड घटा में एक्स जेड, ये हो गए। अब इसकी वैल्यू 0 दी उसने, यहाँ पर 0 रख दी, तो इसके सारे के साथ गुणा करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, माइनस में वाई जेड माइनस में एक्स जेड, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, सारा 0। तो इसका ये आंसर आ गया, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब, क्यूब नहीं निकालना हमने, इसका सूत्र के द्वारा निकालना है। ये सूत्र यूज करेंगे इसमें, एक्स की 3 जमा में वाई की 3 जमा में जेड की 3 इज इक्वल टू है 3xyz, तीनों का जो क्यूब है वो 3xyz के बराबर होता है। इसमें भी यही फार्मूला है इसमें भी। अब इसके अंदर ये आइडेंटिटी यूज करेंगे हमें, 3 मल्टीपल x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 और z की वैल्यू कितनी है 5। तो इनकी गुणा करेंगे हमें 12 36 गुणा में 7 5 35, यानी कि माइनस के 36 गुणा में 35, इन दोनों की गुणा करें, इनकी गुणा आ गई माइनस के 1260, इनकी गुणा कर लेना। इसमें भी ये आइडेंटिटी यूज होगी, 3x की वैल्यू 28 है और इसकी वैल्यू माइनस के 15 गुणा में माइनस के 13, ये माइनस का तो प्लस में आंसर आएगा। इनकी गुणा करेंगे हम, पहले 28 की और 3 की गुणा करेंगे हम, ये हो गया 84, 15 की और 13 की गुणा करेंगे, 15 3 45, 4 15 और 4 19, तो ये हो गया हमारे पास 84 गुणा में 195, इनकी गुणा करेंगे, इनकी गुणा होगी 16380, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रीथ, ये दे रखे हैं, ये रेक्टेंगल है उसका एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, इसमें भी एरिया दे रखा है, तो इसके हमने फैक्टर बनाने पड़ेंगे इसके भी और इसके भी। इसके अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 25 की और 12 ही गुणा करेंगे 300, गुणा करा तो 300 आवे, प्लस माइनस करा तो 35, तो इसके फैक्टर बनाने हमने 35 के, तो इसके फैक्टर हो गए 25a² माइनस के 20a माइनस के 15a जमा के 12, 20 और 15 35 हो गए, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस के गुणा कराएं प्लस के हो गए, 20 की और 15 की गुणा होगी 300। अब इसमें 5a कॉमन है, 5a कॉमन लिया, यहाँ बच गया हमारे पास 5a घटा में 4, जो यहाँ पर बचा है ये इसमें बचना चाहिए, तो यहाँ पर लेंगे हमें माइनस के 3, तो ये हो गया 5a घटा के 4। तो इसमें दो फैक्टर हो गए हमारे पास, 5a घटा के 3 और 5a घटा के 4। अब इसमें एक लेंथ है, तो लेंथ कितनी होगी, इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू है 5a - 3, इतनी होगी, और ब्रेथ होगी इसमें 5a - 4। नेक्स्ट है इसमें भी 35 की और 12 ही गुणा करेंगे हमें, ये हो गया 420, 420 के फैक्टर करने हैं कि गुणा करा तो 420 आवे, और प्लस माइनस करा तो 13, 420 के फैक्टर करे हमने, 2 से भाग दिया, 210, 2 से 105, 3 से 35, 5 से, अब इनकी गुणा करके देखेंगे हमें
तो यहाँ पर 3 × 5 = 15, ये हो गया 15। बाकी के बच गए 7 × 7 = 14, 14 × 2 = 28। 28 और 15 की गुणा कितनी आओगी, दोनों ही गुणा आएगी 420। 28 यहाँ पर जमा के लेंगे, 15 घटा के, 28 में से 15 गए तो 13 बचेगा, तो ये फैक्टर हो गया हमारे पास 28y = 15y = 12। अब इसमें से कॉमन लिया हमने 7y कॉमन लिया, तो 7 × 5 = 35, यहाँ पर बच गए 7 × 28। अब जमा का तो इसमें माइनस कॉमन आएगी और 3 कॉमन आ गया, तो 5y = 4। अब इसमें इस दोनों में से एक लिखना हमने, 5y = 4, दूसरा हो गया हमारे पास 7y = 3। तो इसमें एक लेंथ है और एक ब्रिथ है, तो लेंथ 5y = 4 और ब्रिथ होगी इसकी 7y = 3। तो ये इसका आंसर है, लास्ट है इसका। अब इसके अंदर वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम होता आयतन, और किसी भी चीज़ का आयतन निकालते हम, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 3। तो इसके भी 3 फैक्टर बनाने हैं हमने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसके भी 3 फैक्टर बनाने हैं। तो ये लिया हमने आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इसमें से निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास 3x² - 12x, इसमें से कॉमन लिया हमने पहले एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो 3x - 12 ये बच गया इसमें। अब ये इसमें से 3 कॉमन और ले लेंगे, एक्स हो गया अंदर वाले में से, गुणा में 3 कॉमन लिया तो x - 4। अब 2-3 फैक्टर हो गए इसमें, 1, 2, 3, तो इसको लंबाई कह सकते हैं, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई, तो ये हो गया इसमें। लेंथ होगी इसकी एक्स और ब्रिथ होगी इसकी 3 और हाइट होगी इसकी x - 4। तो ये इसके आंसर है। अगला इसमें 12ky² + 8ky - 20। ये सेकंड पार्ट है, इन तीनों में कॉमन है, सबसे पहले k कॉमन है और 4 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी और ये भी, तो 4k कॉमन ले लिया हमने, 4 × 3 = 12y² - 4 × 8 के बाहर आ गया, तो अंदर बच गया वाई घटा के, 4 × 5 = 20 ही हो गया। तो एक फैक्टर ये हो गया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो फैक्टर होंगे, 3 और 5 गुणा होगी 15, माइनस में है, गुणा करा तो 15 हुआ, प्लस माइनस करा तो 2, तो 4k बाहर आ गया बड़ी ब्रैकेट, 3y² + 5y - 3y - 5, ये हो गया इसका। 5 और 3 बनेंगे इसके फैक्टर, 5 में से 3 गया, 2 बच गए जमा के, गुणा कराएं तो 5 × 3 = 15, 4k बाहर रह गया, इसमें से कॉमन लेना हमने, इसमें से y कॉमन है, ये बच गया 3y + 5, इसमें से माइनस के 1 कॉमन लेना है तो 3y + 5, तो ये हो गया। अब ये दोनों सेम है तो एक लेना, इसमें से बाहर रह गया 4k 3y + 5 और एक बच गया हमारे पास y - 1। तो इसमें ये लेंथ है, लेंथ होगी 4k और ब्रिथ होगी 3y + 5 और हाइट होगी उसकी y - 1। तो ये इसका आंसर है। थैंक यू।